वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश को लॉकडाउन कर रखा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं कहा जा सकता है कि लॉकडाउन होने की वजह से वातावरण में प्रदूषण की बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिली है और नदियों भी पहले के मुकाबले साफ नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, तो अब वही त्रिवेणी घाट श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया है, जिस वजह से प्रदूषित हो चुका गंगा का शीतल जल भी अब पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस काम को प्रदेश की सरकार सालों से नहीं कर पाई, वो कोरोना ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। पूरी देश दुनिया में लॉकडाउन की वजह से जहां वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ देखने को मिल रहा है, वहीं जो त्रिवेणी घाट गंगा जी है वहां पर भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो काफ़ी बड़ी मात्रा में आते थे, इस समय वो भी कहीं ना कहीं आना बंद हो चुके हैं। और जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो गंगा जी का स्वच्छ और निर्मल जल था वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वच्छ हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ये गंगा जी का निर्मल और स्वच्छ जल है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वच्छ हो चुका है। कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ सुथरा जल, जो कि जिसके लिए गंगा जी कभी जानी जाती थी, वो इस समय देखने को मिल रही है। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि क्या सरकार गंगा जी के इस जल को स्वच्छ रखने के लिए आगे भी इस तरीके की कोई मुहिम चलाएगी।